मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव के टलने के संकेत मिल गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर मध्य प्रदेश से पुलिस की 50 कंपनियां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में भेजी गई हैं। यह कंपनियां दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद वापस आएंगी। गृह विभाग ने इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेज दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कलेक्टरों के निर्देश भेज दिए थे कि वे चुनाव की तैयारियां पूरी कर लें। इससे संकेत मिले थे कि आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। इसकी वजह यह थी कि आयोग के अध्यक्ष VP सिंह ने कहा था कि अप्रैल में परीक्षाओं के चलते चुनाव नहीं कराए जाएंगे, लेकिन नगरीय निकाय एवं पंचायत में कोई एक चुनाव जल्दी कराने की तैयारी है। इसी बीच नगरीय निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुकी है। अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा से बटालियन की 38 कंपनियां पश्चिम बंगाल और चेन्नई के लिए रवाना की है, जबकि ग्वालियर से SAF की 12 कंपनियों दोनों राज्यों में भेजी जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश से 50 में से 30 कंपनियां तमिलनाडु भेजी गई हैं, क्योंकि यहां 234 विधानसभा सीट के लिए एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हो रहा है। पहला चरण 27 मार्च और आखिरी 29 अप्रैल को है। 2 मई को मतदान के नतीजे आने हैं, तब तक पूरे एक महीने फोर्स वहीं रहेगा। ऐसे में निकाय या पंचायत चुनाव करवाने के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं रहेगा। भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्यौहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने अघोषित लॉकडाउन कर दिया गया है। जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार सोमवार को सभी दफ्तर, दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगे। बेवजह आने जाने पर पाबंदी रहेगी। रात का कर्फ्यू भी अब रात 10 बजे की बजाय 9 बजे ही शुरू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थलों पर भी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर पर रहकर ही परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। होली पर सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, इसलिए बिना कारण बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 की बजाय 9 बजे से लागू होगा। इसका मतलब रात 9 बजे के बाद बिना काम के घर से बाहर नहीं निकल सकते। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने होंगे। भोपाल में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शनिवार रात 9 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। जिले में सभी तरह की रैली, जुलूस, धरने पर पूरी तरह रोक होगी। इंदौर जू से शेर का एक शावक लापता हो गया है। उसकी तलाश चल रही है, लेकिन गुफा में अंधेरा होने और शेरनी के होने की वजह से तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। 5 दिन पहले शेरनी मेघा ने 3 शावकों को जन्म दिया था। जन्म के बाद से ही एक शावक बहुत कमजोर था। शाम को 2 शावक दिखे, लेकिन कमजोर शावक नहीं दिखा। इसकी जानकारी जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव को लगी तो वह कर्मचारियों के साथ गुफा में पहुंचे। उन्हें टॉर्च जलाकर कई घंटे गुफा में चला। कोरोना संक्रमण के कारण शहर में 8 डॉक्टरों की मौत हो चुकी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से डॉक्टर भी चिंतित हैं। हर दिन 500 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। लोगों का इलाज करते हुए जो डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं, वे जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना की गंभीरता समझना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के साथ ही कोरोना वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 22 दिन तक लगातार भर्ती रहने वाले डॉक्टर विवेक जोशी बताते हैं कि 45% संक्रमण के साथ हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। हफ्ते भर बाद भी आराम नहीं मिला तो एक दिन ऐसा लगा कि कभी भी मौत आ जाएगी, तो पत्नी को व्हाट्सएप कर सब बता दिया कि कैसे मेरे अकाउंट से पैसे निकालना है और कैसे इंश्योरेंस मिलेगा। अब शहर को यही कहना चाहता हूँ कि सावधानी ही बचाव है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। उसकी रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन जरूरी कदम उठा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है। इससे राज्य की सीमा से लगे पांडुर्ना, सौसर, मोहखेड़ के साथ ही जिला मुख्यालय में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया ने बताया कि पांडुर्ना में 23, सौसर में 43, मोहखेड़ में
मोहखेड़ में एक्टिव केसों की संख्या 14 पहुंच गई है। छिंदवाड़ा में यह आंकड़ा 91 तक पहुंच गया है। संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन रोजाना 700 लोगों की टेस्टिंग करा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि महाराष्ट्र से सटे पांडुर्ना में संक्रमण के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। लोकायुक्त पुलिस ने सीधी में राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए 2000 रुपये रिश्वत लेते तहसीलदार को पकड़ा। उसके साथ बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। जब फरियादी तहसीलदार को रुपए देने लगा तो उसने कह दिया कि बाबू को दे दो। जैसे ही बाबू को रुपए दिए तो लोकायुक्त टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। फरियादी शिव कुमार गौतम को रिकॉर्ड ठीक करना था, लेकिन तहसील का स्टाफ बिना लिए काम नहीं कर रहा था। इस पर लोकायुक्त SP को शिकायत की। प्रारंभिक जांच में मामला सही निकला। रंगे हाथ पकड़ने की रणनीति बनी और 20 लोगों की टीम तहसील ऑफिस भेजी गई। आरोपी तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद पटेल, तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन निवासी बर्रेहा जिला सतना ने यह रिश्वत मांगी थी। शिव कुमार गौतम रघुनाथपुर के रहने वाले थे। तहसीलदार ने बाबू देवेंद्र कोरी इलाहाबाद हाल मुकाम नैकिन सतना के जरिए 2000 रुपये मांगे गए थे। देवेंद्र कुमार को 2000 रुपये लेते पकड़ा और तहसीलदार को भी आरोपी बनाया गया। कार्यवाही लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के मार्गदर्शन के निरीक्षक DS मरावी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम ने की है। पूर्व मंत्री के भाई व खनन कारोबारी श्रवण पाठक के कच्चे घर से 3 करोड़ नकदी और 3 किलो सोना लूटने के मामले में नया मोड़ आ गया है। SP धर्मवीर सिंह यादव ने इसकी जानकारी आयकर विभाग सहित तमाम जांच एजेंसियों को भेज दी है। यह 3 करोड़ रुपए कैश 100 एकड़ में फैले फॉर्म हाउस में कच्चे घर में छुपाकर रखे गए थे। श्रवण पाठक के यहाँ GST की जाँच कुछ महीने पहले ही हो चुकी है। इनके बेटे राजीव पाठक के नर्सिंग होम में भी टैक्स विभाग जांच कर चुकी है। मार्च क्लोजिंग में कई जगहों पर छापे पड़ते हैं, इसलिए आशंका है कि संपत्ति को फार्म हाउस में छिपाकर रखा गया था। यह संपत्ति कैसे कमाई, यह सवाल बना हुआ है। श्रवण पाठक ने बताया कि किसी तरह का बीमा नहीं था। यह भी जानकारी आ रही है कि सीमेंट कंपनी को जमीन बेची थी, उससे भी लेन देन हुआ था। इधर पुराने नए सभी नौकरों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है, लेकिन बंधक बनाए गए नौकर के बयान से पुलिस संगते में है। उसे इस भारी भरकम रकम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वारदात के एक दिन बाद अचानक यह वारदात करोड़ों की लूट में बदल गई। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इंदौर की सड़क पर साइकिल चलाई। कलेक्टर मनीष सिंह ने सचिव को साइकिल पर शहर के कई स्थानों पर अवलोकन कराया। रेडिसन होटल से दोनों अधिकारी रसोमा नाला पहुंचे। इसके बाद वह BRTS होते हुए पलासिया चौराहा, गीता भवन चौराहा और आदर्श रोड का भी अवलोकन किया। यहां से वे जीरो वेस्ट वार्ड को देखने पहुंचे। इस दौरान निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने उन्हें सारी जानकारी दी। इंदौर को लेकर उन्होंने कहा कि यह शहर पूरे देश को स्वच्छता का पाठ सिखा रहा है। इंदौर की नदियों को साफ कर इंदौर ने मिसाल कायम की है। इंदौर 4 बार से नंबर 1 और इस बार भी नंबर 1 आएगा, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। शासकीय तुकोजी राव पवार साइंस कॉलेज में छात्र संगठन NSUI ने विद्यार्थियों के साथ कक्षाओं में छात्रों और स्टाफ को बाहर कर दिया है। मुख्य चैनल गेट पर छोटा ताला लगाकर आवागमन बंद कर दिया है। गेट के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और काफी देर तक आवेदन लेने नहीं आए तो ताले को आवेदन सुनाया गया और एक आवेदन सूचना पटल के ऊपर चस्पा भी कर दिया गया। दरअसल साइंस कॉलेज में इंदौर से प्रतिदिन अप डाउन कर रहे एक महिला एवं एक पुरुष और प्रोफेसर आते थे, जिन्होंने पिछले दिनों विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा भी ली थी। परीक्षा लेने के बाद शाम को घर पहुंचे और थकान महसूस होने पर इंदौर में ही सैंपल दिए तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पॉजिटिव की जानकारी कॉलेज प्रबंधन को दे दी गई। उन्होंने तीसरे दिन पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करवाया।